thank you हेलो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस पापा पे और वे जैसे योजना सीरीज चल रहा है हम लोग का तो योजना सीरीज में चार योजना करा दिया आज पछवा कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थ्री पॉइंट ओ ठीक है तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम के लिए की जहां पे स्कीम्स पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का योजना सीरीज ठीक है तो जीएस पेपर टू से इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक्स जो इसमें कवर होंगे वो होंगे इश्यू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन हेल्थ ह्यूम रिसोर्सेस ठीक है तो की बात कर देते हैं कि कि सबसे पहले न्यूज में क्यों है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज एंटरप्रीन्योरशिप ने लॉन्च कर दिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ठीक है क्यों किया है ये इंपावर करेगा इंडियन यूथ को विथ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबल स्किल बाय मेकिंग ओवर थ्री थाउजेंड स्किल कोर्स अवेलेबल तो जो स्किल कोर्स निकाला है इन्होंने उससे क्या होगा जो तीन सौ कोर्सेज हैं कुछ स्किल कोर्सेज हैं उससे क्या होगा एक तरह का बूस्टअप मिलेगा रोजगार के क्षेत्र में ठीक है किसको युवाओं को तो थ्री पॉइंट ओ चल रहा है यानी इससे पहले दो आया होगा तो उसको जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वन क्या था तो वन जो था वो लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 में ठीक है एक ये इंडिया का लार्जेस्ट स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है ठीक है जो वर्ल्ड्स यूथ स्किल डे पे लॉन्च किया जाता है किया गया था सर नहीं जाता है सर किया गया था इसका एम क्या है उद्देश्य जान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि 15 जुलाई को हम क्या मनाते हैं वर्ल्ड्स यूथ स्किल डे ठीक है उसके बाद इसमें एम क्या था इसका एम है कि हम क्या कर सकें इनक्रेज कर सकें प्रमोट कर सकें स्किल डेवलपमेंट को कंट्री में कैसे करेंगे अब ये चीज़ें कैसे करेंगे ये करेंगे फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग दे या फिर प्रोवाइड करेंगे मॉनिटरी रिवॉर्ड्स यानी जो पैसे वाले रिवॉर्ड्स होते हैं यूथ को फॉर स्किल सर्टिफिकेशन कि उन्होंने हाँ इन इस चीज़ ने इस यूथ ने इस चीज़ का कोर्स किया ये इस चीज में बोलते हैं ना साक्षरता हासिल की है इसलिए उनको मॉनिटरी देके उनको प्रमोट करेंगे ठीक है इम्प्लीमेशन की बात कर लेते हैं तो इम्प्लीमेशन इसका कैसे हो रहा था इसका इम्प्लीमेशन हुआ था नेशनल स्किल डेवलप कॉरपोरेशन के अंडर में ठीक है जिसका गाइडेंस अंडर गाइडेंस किसका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है की इसमें रहेगा वो क्या रहता था वो रहता था शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देते थे स्पेशल प्रोजेक्ट्स करवाते थे रिकॉगनाइज फॉर प्रायर लर्निंग कौशल एंड रोजगार मेला लगता था जिसके कारण ये प्रमोट होता था तो इसका आउटकम क्या निकल के आया पहला वाला का कि 2015 से 16 के बीच में ये देखा गया कि उन्नीस दशमलव आठ पांच लाख कैंडिडेट इसमें ट्रेंड हो गए तो ये एक अच्छा अचीवमेंट अच्छा 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 था स्टार्टिंग वाले में उसी तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 क्या था ठीक है तो इसका जो कार्यकाल था वो था 16 से 20 का ठीक है इसमें क्या किया गया था उसी चिंता चीज को स्केलअप करने की बात की थी स्केलअप का मतलब होता है बढ़ावा देना बढ़ावा देना सिर्फ सेक्टर वाइज नहीं बढ़ावा दिया जैसे जो होता है ना छोटे छोटे एम एस वगैरह को सिर्फ सेक्टर वाइज नहीं बढ़ावा बल्कि जोग्राफिकल भी बढ़ाया गया यानी इससे अदर अदर मतलब पूरे भारत में से फैलाने की बात की गई इसका इसका एक ग्रेटर अलाइनमेंट था जो दूसरे मिशंस को बुस्टअप करता था जैसे मेक इन इंडिया को डिजिटल इंडिया को स्वच्छ भारत को ये सब एक तरह का मतलब ये जोड़ता था एक दूसरे को इससे इसकी जो बजटिंग ये थी वो बारह करोड़ के सॉरी बारह हाँ बारह हजार करोड़ के आसपास की, की गई थी इसका इंप्लीमेशन का दो तरीका था यहाँ पे ठीक है ये था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड ठीक है तो इसका नेशनल डेवलप कॉरपोरेशन ने इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट की भागीदारी ली थी जिसमें वो सेवेंटी फाइव परसेंट फंडिंग करता ठीक है और मतलब एलोकेशन करता, ठीक? अंडर सी एस सी एम के अंदर में ठीक है दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज के अंदर वहीं सेंट जो सेवेंटी फाइव परसेंट हो गया और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज में भी उस, उन्होंने पैताल परसेंट ये किया गया फंडिंग प्रोवाइड की गई तो पूरा में के 100 परसेंट हो गया तो एक तरह का ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सॉरी हाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसका मतलब क्या होता है जहाँ पे फंडिंग जो है केंद्र साथ 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 सा, सा, राज्य सरकार भी करती है इसका आउटकम क्या निकला कि 1.2 करोड़ यूज जोड़ पाए हम लोग और बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट दिखा कि स्टेनलाइज किया ये मतलब बढ़ावा दिया तो वन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना टू में काफी अच्छी नजर में आए अब इसका भी लॉन्च गया है क्योंकि 2020 तक इसका कार्यकाल था तो इसमें जो हम कवर कर रहे हैं वो क्या कहां कहां कहा लॉन्च किए हैं तो इसमें हम लॉन्च कर रहे हैं सात तो सौ सत्रह डिस्ट्रिक्ट लॉन्च कर रहे हैं अट्ठाइस राज्य में लॉन्च कर रहे हैं और एट यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च करेंगे ठीक है ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है आत्मनिर्भर भारत यानी मोदी जी का जो सपना है ये हम सेल्फ रिलायंस बने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि हम कब सेल्फ रिलायंस बन पाए हमें अपना इम्पोर्ट जो है वो घटाना है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है ताकि हम मतलब एक अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके आ पाए एज अ लीडर इंडिया एज अ लीडर बनना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है तो इसमें यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है एक तरह का तो इम्प्लीमेशन इसका देखा जाए तो इट विल इंप्लीमेंटेड इन द मोड डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर मतलब इसी डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर मतलब लोगों में बांटा गया मतलब लोग इसके जो ऑथोटी एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो लोगों में बांट दिया गया ठीक है द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट यहाँ पे मिला स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट स्किल्स कमिटीज के अंदर में काम कर रहा था डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज का किसके अंदर में काम कर रहा था स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर में और एक बहुत ही की रोल इसने अपनाया ठीक है और जो स्किल गैप था ठीक है डिमांड का डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसको बहुत ही कम किया मतलब जितना मांग था उसको कम किया उसको पहुंचाया मांग अगर मांग जितना था और बहुत ही कम इसक लेवल में था उसको मतलब जब से कोर्स किया तो होता है ना जब आप किसी चीज को कोर्स करते हो जैसे आप ये कोर्स कर रहे हो अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप नॉलेज मिलेगा तो आप इसका यूज़ करोगे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में घुसोगे तो आप लोगों को बताओगे इसके बारे में तो इससे क्या होगा आप एड्रेस करते हो चीजों को जिसके जिसका जो गैप होता है स्किल गैप होता है उसको वो कम कर रहा था फीचर्स की बात कर लेते इसका फीचर्स क्या है इसमें हम लोग आठ लाख से ज्यादा कैंडिडेट को ट्रेनिंग देने वाले हैं ठीक बीस इक्कीस में देखा जाए इसका जो पैसा बजट तैयार हुआ है वो हुआ है सॉरी करोड़ का ठीक है नाइन कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं हाँ सॉरी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए हैं कि है तो ये एक तरह का जो है ना एक तरह का पुल बनाया गया है जैसे जहाँ पे जो अनस्किल्ड मतलब दुनिया है और एक स्किल्ड दुनिया है उसको मिलाने का एक यहाँ तक ब्रिज बनाया गया है ताकि जो अनस्किल्ड वाले लोग हैं वो भी कनेक्ट कर पाए स्किल्ड लोगों से और कुछ सीख के वो मतलब ट्रेंड जैसे वो ट्रेंड हो गए तो फिर जनरेशन जनरेशन होगा होगा और होगा तो इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं मोर ट्रेनिंग दे रहे हैं लर्निंग सेंटर्स खोल रहे हैं इसका मेन फोकस जो क्या है वो डिमांड एंड सप्लाई गैप जो है उसको कम करना बाय प्रमोटिंग स्किल्स जो मैंने आपको बताया कि डिमांड बहुत ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्किल्स का लेकिन सप्लाई कम है सप्लाई क्यों कम है सप्लाई इसलिए कम है क्योंकि लोग यहाँ पे स्किल्ड नहीं है ठीक है और ये एक तरह का डेवलपमेंट किया गया है न्यू एज के लिए जो आप इंडस्ट्री फोर को हेल्प करेगा ठीक है इसमें जो जैसे आइडेंटिफाई करेंगे जॉब रोल्स क्या है उस, उसको लोकल लेवल पे जैसे वोकल फॉर लोकल चलाया गया है तो उसमें जॉब रोल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा आइडेंटिफाई करने के बाद वैसा ट्रेनिंग दिया जाएगा यूथ्स को स्किल प्रोवाइड किए जाएंगे उसके बाद हम जाके उनको मतलब अवेलेबल करा पाएंगे एम्प्लॉयमेंट ठीक है इंकरेज करेंगे हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टेट्स स्टेट्स में हेल्दी कंपटीशन बनेगा हेल्दी कंपटीशन बनेगा जब कंपटीशन होगा तो लोग बेहतर उसमें इनोवेशन जनरेट होगा इनोवेशन जनरेट होगा तो कुछ नया आएगा नया आएगा तो व्यापार ऑटोमेटिकली बड़ा होगा ठीक है तो इंक्रीज कर सकेंगे एलोकेशन कर सकेंगे बेटर परफॉर्मेंस क्रिएट होगा और ये जो स्कीम चलता है ना ये सब का यह सब का मतलब होता है कि हम लोग वोकल एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें ठीक है वोकल एजुकेशन, सब जो वोकल एजुकेशन का मतलब होता है जहां इंडस्ट्रीज में फील्ड में लोग काम करते हैं तो इंडस्ट्री लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री को हम लोग जोड़ते हैं युवा के साथ कि आप जाइए युवा आपको पता चलेगा कि हाँ कि युवा कितनी सशक्त है क्या नहीं है जो मार्केट में एक्चुअली डिमांड है जिस तरह की डिमांड है स्किल की वो अवेलेबल होगी और वो इंडस्ट्रीज को इजिली फाइंड कर पाएगी तो क्या होगा इससे काम अच्छे तरीके से होगा ठीक है तो हम मैंने करा दिया आपको फीचर्स यहाँ पे फीचर्स करा दिया थ्री के बारे में बता 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 दिया 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 के के बारे दिया, के बारे में 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 की बात कर लिया न्यूज क्यों चल रहा है किस पेपर से इंपॉर्टेंट है ठीक है तो याद रखियेगा वन टू थ्री सब पूछता है कि क्या है वन में क्या था टू में क्या था अच्छे तरीके से बता दिया है ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने जितनी अच्छी तरीके से कोशिश की वो बताने की वो बताया मैंने टू द पॉइंट बात कियाके साथ अब यहां पर मेन्स का मैंने क्वेश्चन ये डाला है कि आपको एक नोट लिखना है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ़ प्रधानमंत्री कौशल विकास और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी दिख रहा है ठीक तो है तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा तो प्लीज इस पे जाके आंसरिंग में काम कीजिएगा तब तक के लिए, आपका दिन शुभ हो आपको कुछ भी जरूरत हो कोई भी वीडियोस चाहिए वो योजना सीरीज चल रही है और भी मैं संडे स्पेशल क्लासेस करा रहा हूँ पीटी के क्वेश्चन चल रहा हूँ प्लीज आके देखिए आई बटन के पास लिंक मिल जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वन के तक पहुंचाइए हमारे चैनल को और उससे ज्यादा भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थ्री पॉइंट ओ क्या है ठीक है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आने वाला टॉपिक है ये सब तो चलिए तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो जय हिंद जय भारत